हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो जो कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है उसका जो मेडिकल देने जा रहे हैं, उनके मन में डाउट है और होना भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि हमें वहाँ किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए जो कि मैंडेटरी हो। तो मैं आपको बता चलूँ, यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स का जो मेडिकल देने वाले हैं। तो कैंडिडेट बार बार कमेंट में अगर पूछते हैं कि प्लीज़ बताइए कि वहाँ किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वहाँ में लेके जाने जब हम मेडिकल देने जाएँ, तो मैं कमेंट्स में आकर किस प्रत्येक कैंडिडेट का जवाब तो नहीं दे सकता, आई थिंक आप समझ भी सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप यहाँ से इन चित्रों को एक बार देख भी सकते हैं, आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो आप फर्स्ट नंबर को देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन यू नीड टू इंश्योर फॉलोइंग, तो आप इनको फॉलो करें। ए नंबर पर दिया गया है, जिन कैंडिडेट को आई में प्रॉब्लम है उनके लिए फर्स्ट ए नंबर बताया गया है, उनको एक स्पेशलिस्ट जो आई हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड हो उससे ही आप अपना जो सिग्नेचर स्टंप वगैरह जो कागज़ बनते हैं वो बनवा के ले जाएं, अन्यथा और किसी डॉक्टर से ना ले जाएं। आप बी पॉइंट को रीड कर सकते हैं, जो बी दिया गया है, क्लीन जेंटल एरिया आर्मपिट थोरली बिफोर एपरिंग फॉर मेडिकल। तो जब आप मेडिकल देने जाएं तो आपका जेनिटल एरिया बिल्कुल क्लियर साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और सी नंबर तक बताया गया, आपका ईयर शुड बी फ्री ऑफ वैक्स, आपके जो कान हैं बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और डी पॉइंट बताया गया, आप जो कैंडिडेट इनको टीथ में प्रॉब्लम है, आपके जो टीथ हैं बिल्कुल साफ होने चाहिए और 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। अब कोई कैंडिडेट कमेंट में अगर यह नहीं पूछेगा कि मैं पान मसाला खाता हूँ तो मेरे दांत थोड़े आगे से गंदे हैं तो क्या मुझे पॉइंट दे दिया जाएगा, तो इस प्रकार का आपका वहाँ कोई पॉइंट बनने वाला नहीं है, थोड़े आपके क्लीन ही होने चाहिए। हो सके तो आप इन सब से अभी फ़िलहाल बचें जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। 14 डेंटल पॉइंट आपके श्योर होने चाहिए। नेक्स्ट, आप यहाँ से ई नंबर को नोट कर सकते हैं, शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कम्युनिकेशन डिजीज एंड स्किन एलिमेंट्स, अर्थात आपकी जो बॉडी है किसी भी प्रकार का उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए, स्किन एलिमेंट्स होनी चाहिए। किसी जैसे किसी बॉडी पर चकत्ते बन जाते हैं, किसी बॉडी पर आपने देखा वो दाने दाने बन जाते हैं, तो उसमें भी वो मेडिकल पॉइंट बना देते हैं, तो आपके यह नहीं होना चाहिए। वो तो रीड कर सकते हैं, जो कैंडिडेट रिपोर्टिंग करने वाले हैं मेडिकल के लिए, उनको वहाँ रिपोर्टिंग करने से 14 घंटे पहले खाना नहीं है, आप अधिक से अधिक पानी पिए जिससे कि आपका जो ECG है और आपका जो दिल का धड़कन है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ ना हो। तो आप इन इंस्ट्रक्शनों को एकदम ध्यान में रखेंगे तो जो आपके एक्सेस पॉइंट होते हैं, जो आपको फ्री में पॉइंट मिलने वाले होते हैं, उन पॉइंट से आप बच सकते हैं। जो आपका मेजर पॉइंट है उसमें ही आपको पॉइंट मिलने के चांसेस होते हैं। तो आइए चलते हैं, अब डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो आपके पास मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर है यह अवश्य होना ही चाहिए, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर, साथ साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या दो ही वैसे देखा जाए तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और साथ साथ में आप 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ अपने फ़ोटो भी ले जाएं, क्योंकि वहाँ 2 से 4 फॉर्म फिल कराए जाते हैं जब आपका एक्सरे वगैरह होता है, तो आप 2 से 4 फ़ोटो भी ले जा सकते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए ना। आप फिर भी अपना 10th और 12th का मार्कशीट भी ले जाएं साथ में, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का आप सामना ना करना पड़े। वैसे दिक्कत कोई नहीं, आपके पास यही 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बिल्कुल अपना जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसको दे के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं सजेशन दूंगा, फर्स्ट जो 10th और 12th की मार्कशीट है उसको साथ में ले जाएं, उसकी जेरोक्स कॉपी भी साथ में ले जा सकते हैं। वैसे जो आपका सिचुएशन टेस्ट होता है, आपका जो सिलेक्शन टेस्ट डे होता है, उस दिन आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता चलूँ आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आपका आधार कार्ड मैंडेटरी, आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, साथ साथ में आप 4 से 5 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जा सकते हैं। तो आई थिंक जितने भी आपके डाउट थे कि हमें वहाँ किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।